प्रोडक्शन दीजिए और प्रोफाइल बताइए क्या क्या आपने कोरियोग्राफर के तौर पर किया और डायरेक्टर के तौर पर किया, उसके बारे में बताइए। मैं पहले मेरा करियर स्टार्ट किया था एज ए कोरियोग्राफर, अभी मैं कोरियोग्राफर एंड डायरेक्शन दोनों में ध्यान दे रहा हूँ। और ये गाना मेरा लाइफ का सबसे अच्छा गाना रहेगा, और ये गाना, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये मेरा फैमिली है। और मैं चाहता हूँ कि ये गाना बहुत अच्छे से बनाऊँ। जब ये दो दिन गाना ये शूट हो चुका है, ये हमारा लास्ट डे है शूटिंग का, और हम कोशिश करते हैं कि इसको और अच्छा बनाए। और मैं पहले जो कोरियोग्राफी मेरा बायोडाटा है वो जैसे चैनल वी वरुण धवन के साथ में किया, कपिला पशु आवर संजय दत्त के साथ में किया, स्टार मूवीज़ में मैं कुछ कमर्शियल एज ए डायरेक्टर काम किया, और आगे मेरा कुछ वेब सीरीज़ भी है एज ए डायरेक्टर। तो ये मेरा प्रोफेशन है, आगे चलते जाएगा, कुछ ना कुछ बायोडाटा आते जाएंगे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपने काम किया है, अब नए एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कितना मतलब डिफ़िकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट कुछ नहीं, ये सारे लोग, जैसे कि मैं इनके साथ में काफ़ी एक्वेंटेड हूँ, ये उनका बेटी है जो भी छोटी थी 7-8 साल की, तभी उनके साथ में मैंने इंट्रैक्शन चल रहा था, मैं उनका टीचर हूँ, फिर उनके साथ में इनके साथ में नया किसको बोलते हैं जिन्होंने कि सीखे नहीं और मुझे सिखाना पड़ रहा है जी। ये लोग शुरू से सीख रहे हैं कुछ ना कुछ जी। आप अगर बोलेंगे कि ये मुझे एक्ट करके दिखाए तो ये लोग तुरंत करेंगे, तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। एल्बम की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में? एल्बम एक्चुअली मैं, मेरा जो भी कुछ होता है एज ए फैमिली की तरह, जैसे मैंने बोला कि मेरा कुछ भी प्रोफाइल्स आता है, कुछ चीज़ें रिलीज होता है, तो मैं मैम को बोलता हूँ कि ये मेरा आज रिलीज़ हुआ है। तो मुझे नहीं था कि इनका दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब इनके पास में वो गाना आया तो इन्होंने बोले कि चलो एक गाना हम पिक्चराइज करते हैं और ये हम लोग वापस में हम बनाते हैं, तो ये आज लास्ट डे है इस गाने का। सर, ये भी जानना चाहूँगा लॉन्च करने वाले हैं किस बैनर पे? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टी सीरीज़ या सोनी म्यूज़िक या वीवो चैनल, जैसे सोनी म्यूज़िक वीवो चैनल के साथ में यूनाइटेड, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही बड़े लेवल पे म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे इसको इंट्रोड्यूस करें। सर, बट आपके आर्टिस्ट ने डिस्क्लोज किया कि इसमें मतलब जिस तरह का नम और दम गाने का सिचुएशन था वैसा है, यानी कि क्या आप एक मतलब जो मतलब चरस गांजा का जो कल्चर है उसको शोकेस करने वाले, क्या शोकेस करना चाह रहे हैं? एक्चुअली इसमें ऐसा शो हो रहा है कि चरस और गांजे को लोग, जो यंगस्टर्स है और जो भी रहते हैं लोग, उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये गॉडली चीज़ें हैं। अगर आपको कनेक्ट होना है भगवान के साथ में तो ये चीज़ें उस एंगल से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी अभी आप माहौल देखें कितना खराब रहा है बॉलीवुड का, नारकोटिक्स को लेकर, मतलब माहौल खराब है, तो कंट्रोवर्सी करने का आपको वो नहीं लग रहा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगा? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है इसमें, जैसे पिक्चराइज हम लोग ने किए वो कंट्रोवर्सी के, कंट्रोवर्सी होगा रिस्क तो नहीं होगा तो इतना ज्यादा हम लोग ने कुछ, ये गीत संगीत है ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, शिव जी ने चिलम शायद हमारे लिए ही पकड़ा होगा इस कलयुग के इस वक्त के लिए कि हम ये गाना बना सके, उसको जस्टिफाई कर सके। What is the planning regarding the future? क्या planning कर रहे हैं आप, किस तरह से इसको और एक यू नो बड़ा इमेज देंगे इस गाने को आप? इस गाने को हम लोग मतलब किसी बड़े म्यूजिक चैनल पे हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और जो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं मेरे साथ में, तो हम नेक्स्ट प्लान भी हम लोग कर रहे हैं किसी बड़े म्यूजिक वीडियो को हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैम, व्हाट अबाउट यू, इंट्रोडक्शन दीजिए।